नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल आर्ट्स मास्टर पे। तो दोस्तों, आज आप लोगों का सेंटअप एग्ज़ाम था, ठीक है, जिसमें आज आपका हिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ था। तो आज हम लोग इस वीडियो में उसी क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो आज जो ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे उस पर हम लोग सारे वन बाई वन करके डिस्कस करते हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न थे आज के पेपर में, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पढ़ा हुआ था, लेकिन कुछ क्वेश्चन नए थे, तो हम सारे क्वेश्चन को देखेंगे, उसके आंसर को जानेंगे 100% करेक्शन के साथ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज पूछा गया था। तो पहला प्रश्न यहाँ पे है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, ठीक है। ये तो इजी प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का है, तो सिंधी भाषा का शब्द है, तो यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका है राय बहादुर दयाराम सहनी कहाँ उत्खनन करवाया था, ठीक है। तो राय बहादुर दयाराम सहनी ने कहाँ करवाया था, तो हड़प्पा में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही हो जाएगा। फिर है हड़प्पा किस युग की सभ्यता है, तो सब ये पता है कांस्य युग की सभ्यता है ये, ठीक है। यहाँ पे डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न क्या है आपका कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो ये भी सबको पता होगा कि लोहा का ज्ञान सिंधु घाटी में नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट आपका है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो ये भी मैंने काफ़ी बार बताया है कि सबसे बड़ा पूछेगा तो सीधे मोहनजोदड़ो को मार देना है आंसर, ठीक है। तो सबसे बड़ा नगर कौन था, मोहनजोदड़ो था, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है, तो मैंने वीडियो समय बता रखा है क्या है कि मोहन सिंधु ने रावी को हड़प्पा, यानी कि मोहन सिंधु नदी किनारे, ठीक है, और रावी हड़प्पा नदी किनारे, सॉरी हड़प्पा रावी नदी किनारे। तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो पूछा है तो सिंधु नदी किनारे है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। फिर है हड़प्पा किस नदी किनारे है, तो वही बात हड़प्पा रावी किनारे है, मोहन सिंधु ने रावी को हड़प्पा, ठीक है। तो यहाँ पे डी आंसर सही हो जाएगा। फिर आपका है सिंधु घाटी निवासियों को, रिपीट क्वेश्चन क्या हो रहा बार बार। नेक्स्ट आपका है अशोक के किस शिलालेख से कलिंग विजय का पता चलता है, तो अशोक के किस शिलालेख से कलिंग विजय का पता चलता है, तो हमने बता रखा है कि अशोक के 13वें शिलालेख से उसके कलिंग विजय का पता चलता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा, 13वां शिलालेख। फिर है समुद्रगुप्त का वर्णन किस अभिलेख में है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा, समुद्रगुप्त का वर्णन जो है वो आपके प्रयाग प्रशस्ति में है, ठीक है। जो आपका जो सेकेंड चैप्टर था, मैंने कल या परसों वीडियो डाला था, उसमें ये बात बता रखा है कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के वर्णन है, ठीक है, जिसे लिखा था किसने, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है, ओके। चलिए नेक्स्ट आपका है इंडिका की रचना किसने की है, तो सभी को पता है इंडिका मेगास्थनी ने लिखा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है बिंदुसार किसका पुत्र था, ठीक है, तो बिंदुसार किसका पुत्र था, तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार बनता है राजा, बिंदुसार के बाद आपका अशोक बनता है, ठीक है। चल नेक्स्ट आपका है ठीक है क्या है कि गुप्त सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को पराजित कर गद्दी हासिल की, यानी कि जो मौर्य वंश की स्थापना किया गया था किस वंश को हराकर, तो ये आपका नंद वंश को, ठीक है, लास्ट आया था घनानंद, उसको मारा था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और मौर्य वंश की स्थापना किया था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, नंद वंश को क्या किया था, हराया था, ठीक है। फिर आपका है अंगुत्तर निकाय से किस धर्म का ग्रंथ है, ठीक है, यानी कि अंगुत्तर निकाय किस धर्म का ग्रंथ है, तो ये आपका बौद्ध ग्रंथ है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ठीक है। अंगुत्तर निकाय क्या है, बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, जिसमें आपके 16 महाजनपद की जानकारी दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मगध की राजधानी कहाँ थी, तो मगध की राजधानी दोस्तों राजगिरी है, ठीक है। तो वैसे यहाँ आपका क्वेश्चन थोड़ा सा अति है गलत है, पहली राजधानी इसको पूछना चाहिए था कि मगध की पहली राजधानी कौन थी, तो इसके आपका राजगीर हुआ, क्योंकि मगध की राजधानी आपका पाटलिपुत्र भी था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है पूछना क्या चाह रहा है आपका कि पहली राजधानी पूछना चाह रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे राजगीर आंसर हो जाएगा। फिर है नालंदा महाविहार किसने बनाया है, तो दोस्तों नालंदा को बना था किसने, कुमारगुप्त ने, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र के लेखक सभी को पता है कौटिल्य है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है, तो महाभारत संस्कृत भाषा में लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। फिर है संलेखन किस धर्म का मृत्यु प्रधान है, ठीक है, एक संलेखन विधि होती है जिसके माध्यम से क्या
लोग प्राण त्यागते हैं यानी मृत्यु प्राप्त करते हैं, तो ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये आपका जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। संलेखन विधि जैन धर्म से संबंधित है और इसी विधि के माध्यम से क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना क्या किया था, शरीर त्यागा था यानी कि मृत्यु प्राप्त किया था, ठीक है, संलेखन विधि के द्वारा ही। फिर आपका है अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों की संख्या कितनी है, ठीक है, अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों की संख्या कितनी है, तो यह मैंने जो सेकेंड चैप्टर वीडियो डाला था कल या परसों, उसमें मैंने एक क्वेश्चन करवाया था कि अशोक के जो स्तूप है वो कितने खोजे गए हैं, ठीक है, तो ये अब तक 84,000 मिल चुका है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उस वीडियो में ये बात मैंने क्वेश्चन करवाया था, आप जाके देख सकते हैं सेकेंड चैप्टर जो कल परसों डाला गया है उसको देख लीजिएगा, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आपका है बुद्ध के बचपन का नाम क्या है, ठीक है, तो बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। फिर है प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी, तो प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के काल में हुआ है, तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे सही हो जाएगा, क्लियर है। फिर है हीनयान तथा महायान किस धर्म से संबंधित है, तो हीनयान महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो बी यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। फिर है महावीर का जन्म कहाँ हुआ है, तो महावीर का जन्म कुंडल वन में हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। फिर है त्रिपिटक से संबंधित है, यानी त्रिपिटक किससे संबंधित है, तो त्रिपिटक भी आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है अकबर का शासनकाल क्या है, तो अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर क्या है दस्तूर क्या था, ठीक है, दस्तूर क्या था, तो दोस्तों दस्तूर आपका एक तरह का टैक्स था जो किस पे लगता था, भूमि पे लगता था, यानी कृषि टैक्स है ये, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, मेरे ख्याल से ये मुगल काल का है, ठीक है, तो मुगल काल में जो भूमि टैक्स था, ठीक है, उसको क्या बोला गया है, दस्तूर कहा जाता था, तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है संसव किस धातु से बना सिक्का था, तो दोस्तों संसव मुगल काल का सिक्का था, ठीक है, जो क्या था सोना का सबसे बड़ा सिक्का होता था, यानी कि सबसे ज़्यादा सोना का इसी का इस्तेमाल होता था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला हो जाएगा, यह सोने का क्या है सबसे बड़ा सिक्का होता था, मेरे ख्याल से 101 तोले का होता था यह सिक्का, ठीक है, जिस क्या था संसव कहते थे और यह मुगल काल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर पहला हो गया सही, सोना का बना होता था। फिर आपका है भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया था किसके द्वारा, यानी कि भारत में जो तंबाकू चलता है वो किसके द्वारा लाया गया था, तो पुर्तगालियों के द्वारा तंबाकू का लाया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ करवाया किसने, ठीक है, यहाँ पे आरंभ लिखा है दोस्तों, याद रखिएगा, खत्म किया ये नहीं लिखा है, तो कुतुब मीनार का जो शुरुआत किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, खत्म किया था इल्तुतमिश ने, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है सी यहाँ पे सही हो जाएगा, आरंभ करने वाले कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है तुजुके जहांगीरी की रचना किसने की है, तो यह दोस्तों जहांगीर की आत्मकथा है जिसे जहांगीर ने लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही हो जाएगा, ठीक है, तुजुके जहांगीरी जहांगीर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही हो जाएगा। फिर है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया है, सभी को पता है ताजमहल शाहजहां ने बनवाया है, बताने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आपका है मुगल दरबार में अभिवादन के कौन से तरीके हैं, ठीक है, मुगल दरबार में अभिवादन के कौन से तरीके हैं, तो ये सभी क्या है मुगल दरबार में अभिवादन के तरीका है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है सिखों के दसवें गुरु कौन थे, तो सिखों के दसवें गुरु गोविंद गोविंद से हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ भी सही हो जाएगा। फिर है खालसा पंथ की स्थापना किसने किया है, तो खालसा पंथ की स्थापना भी आपका गुरु गोविंद जी ने किया है, तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है जामा मस्जिद कहाँ है, तो सभी को पता है जामा मस्जिद कहाँ है, दिल्ली में है, ठीक है। फिर आपका है जहांगीर का शासनकाल क्या है, तो जहांगीर का शासनकाल क्या है, तो ये आपका 1605 से 1627, ठीक है, 1605 से 1627 आपका जहांगीर का शासनकाल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। फिर है घाघरा के युद्ध में बाबर ने किससे हराया था, ठीक है, तो दोस्तों घाघरा का युद्ध जो हुआ था मेरे ख्याल से 1529 में हुआ था, ठीक है, और इसे लड़ा था किसने, बाबर ने लड़ा था और हराया किसे था, महमूद लोदी को हराया था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, घाघरा का युद्ध में महमूद लोदी को पराजित किया गया था। फिर है हल्दीघाटी का युद्ध कब लड़ा गया, तो यह दोस्तों 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा।
फिर है तानसेन किसके दरबार में रहते थे, तो तानसेन जो प्रख्यात गायक है वो अकबर के दरबार में थे, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। फिर है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही हो जाएगा, 1565। ठीक है, नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो यह 1336 में हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है तेनाली रावण का संबंध किस साम्राज्य से है, तो तेनाली रावण विजयनगर से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। क्या है अमुक्त माल्यद किसने लिखा है, तो यह कृष्णदेवराय की पुस्तक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अमुक्त माल्यद क्या है, कृष्णदेव के द्वारा लिखा गया है। फिर आपका है गोपुरम से आप क्या समझते हैं, तो गोपुरम मंदिर का प्रवेश द्वार है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। फिर आपका है विजयनगर की यात्रा पर आने वाला पहला यात्री कौन था, तो निकोलस कोंटी, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। फिर है अफनासी निकेतन किस देश का निवासी था, तो यह रशियन व्यापारी था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, अफनासी निकेतन रूस का था। फिर है तुलु वंश का संस्थापक कौन था, तो तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह राय है, तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है हम्पी को यूनेस्को ने कब पुरातत्व स्थल घोषित किया था, तो हम्पी को यूनेस्को ने पुरातत्व स्थल घोषित किया था 1986 में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर है प्रसिद्ध गुरुपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह हम्पी में है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। फिर कबीर किसके शिष्य थे, तो कबीर रामानंद के शिष्य थे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है चैतन्य महाप्रभु किसको उपासक थे, तो विष्णु को उपासक थे, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सिकरी में है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी, तो खालसा पंथ की स्थापना 13 अप्रैल और 1699 में हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, जिसे गुरु गोविंद सिंह ने शुरुआत किया था। ठीक है, फिर है कबीर का जन्म कब हुआ था, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल नहीं बनाइएगा, ठीक है, कभी नहीं बनाइएगा, क्योंकि कबीर के जन्म को लेकर बहुत सारा विवाद है, कब हुआ था, ठीक है, यह एग्जैक्ट नहीं पता किसी को, इसको कहीं भी आपको 1444 लिखा रहेगा, कहीं पे आपको 1586, कहीं पे आपको 1544 ये भी लिखा रहता है। ठीक है, तो अगर आसपास के आंसर की बात करें तो इसका आंसर 1545 होगा। ठीक है, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल टच नहीं कीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन ही कैरेक्टर से विवादित है। ठीक है, इसलिए इसको आप नहीं बनाइएगा एग्जाम में, किसी और क्वेश्चन को बना लीजिएगा। फिर है किताब उल रेहला किसकी यात्रा वृत्तांत है, तो रेहला आपका अलबरूनी का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या जगह, एक मिनट, किताब उल रेहला नहीं, किताब उल हिंद अलबरूनी का, किताब उल रेहला इब्न बतूता का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, किताब उल रेहला इब्न बतूता का है। ओके, फिर आपका है इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था, तो इब्न बतूता जो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था, तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, फिर है फयान किस देश का यात्री था, फयान चीन का यात्री था, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। फिर है सिंधु कानू किस विद्रोह के नेता थे, तो सिंधु कानू संथाल विद्रोह के नेता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, फिर है प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून, ठीक है, 1757 को, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ है। फिर है अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा हुआ है किससे, तो अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ठीक है सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका है व्यवगत की नीति किसकी थी, तो व्यवगत का सिद्धांत दिया था लॉर्ड डलहौजी ने, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर आपका है भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे, तो पुर्तगाली सबसे पहले आया था, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। फिर है टट्टा टोपे को फांसी की सज़ा कब दी गई थी, तो टट्टा टोपे को फांसी की सज़ा 1858 में दिया गया है, 10 अप्रैल 1858 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर आपका है सहायक संधि किसने लागू किया था, तो सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। फिर आपका है सती प्रथा किस गवर्नर जनरल द्वारा प्रतिबंधित किया गया था, तो सती प्रथा को प्रतिबंधित विलियम बेंटिक ने किया है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा।
फिर है डाक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो डाक अधिनियम 1854 में पारित हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। फिर है पटना में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो पीर अली ने पटना में नेतृत्व किया था, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। फिर है निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, ठीक है, तो 1857 की क्रांति में बेगर हजरत महल ने भी भाग लिया है, ठीक है, अजीजन बाई ने भी लिया है और झलकारी बाई ने लिया है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, सभी ने क्या किया, भाग लिया, ठीक है। मेरे ख्याल से झलकारी बाई जो झांसी की रानी थी उनकी उस सेना की क्या थी, सेनापति थी झलकी रानी, ठीक है, जहाँ तक शायद मेरे याद आ रहा है कि झलकी बाई जो थी वो आपका रानी लक्ष्मीबाई के सेना का सेनापति थी, ठीक है, तो इसमें सभी आपका आंसर हो जाएगा, सभी ने भाग लिया है। फिर आपका है रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से पुकारा जाता है, तो रानी लक्ष्मीबाई को सभी नाम से जानते हैं, मणिकर्णिका, छबेली, मनु, सभी नाम से जानते हैं। फिर है झोकनबाग हत्याकांड 8 जून 1857 को कहाँ पर हुआ था, तो झोकनबाई आपका झांसी में है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। फिर है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो गेटवे ऑफ इंडिया आपका, ठीक है, बम्बई में है, ठीक है, इंडिया गेट दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया बम्बई में है, ओके। फिर आपका है कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का क्या नाम था, तो कलकत्ता में किलेबंद जो बस्ती थी उसका नाम फोर्ट विलियम है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया, तो 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया पुर्तगालियों ने, तो बी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है सात द्वीपों का नगर किसे कहते हैं, तो बम्बई को सात द्वीपों का नगर कहते हैं। फिर है वास्को डी गामा भारत कब आया, तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था, ठीक है। फिर आपका है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया, चंपारण में, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ, अवज्ञा आंदोलन की बात हो रही है यदि आपका 1930 में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन 42 में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे, तो 1915 में आए थे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। फिर है करो या मरो का नारा किसने दिया, तो महात्मा गांधी ने दिया है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर है नमक कानून किसने तोड़ा, तो जाहिर सी बात है महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है सर की उपाधि किसने लौटाई थी, तो सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटाया था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएंगे। फिर है गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो राजनीतिक गुरु मानते थे गोखले साहब को, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ओके। फिर है टू नेशन थ्योरी किसने दिया है, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी दी है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर है कृषि में तिनकठिया पट्टी कहाँ थी, तो तिनकठिया पट्टी चंपारण से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। फिर है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो ये आपका लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, 1929 में यह पारित हुआ था, ठीक है, लाहौर अधिवेशन, उसमें पूर्ण क्या है स्वराज की मांग की गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर है क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो क्रिप्स मिशन भारत 22 मार्च 1942 को आया था, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा। फिर है भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा किस प्रधानमंत्री ने किया था, तो इटली ने किया था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। फिर है पाकिस्तान ने अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया था, ठीक है, तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो मनाया था वो आपका 14 अगस्त 1947 को, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। फिर है सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, तो 1938 में भी बने थे और 1939 में भी बने थे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। फिर है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था, ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने जो मुक्ति दिवस मनाया था वो आपका 22 दिसंबर 1939 को, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया है, 22 दिसंबर 1939 को।
फिर आपका है भारत का विभाजन किस ब्रिटिश शासन की किस योजना के कारण परिणाम है। ठीक है, तो भारत का जो विभाजन है वो माउंटबेटन योजना का परिणाम है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के द्वारा किया गया था। ठीक है, फिर है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। फिर है 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने क्या मनाया था, तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने क्या मनाया था, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। ठीक है, इसके बाद आपका है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो सभी को पता है राष्ट्रपति आपके राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, फिर है भारत के संविधान का जनक किसे मानते हैं, तो बी आर अम्बेडकर को संविधान का जनक मानते हैं, तो बी आपका सही हो जाएगा। और आपका लास्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है, तो सभी को पता है राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के आपके सेंट्रल एग्जाम के क्वेश्चन, उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन मिला लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छे प्रश्न थे, आसान था प्रश्न, ज़्यादा हार्ड नहीं था। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेंटअप क्वेश्चन में, तब तक धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर दोस्तों जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।